29 सालों के बाद भगवान हनुमान को जेल से रिहाई मिल गई। दरअसल आरा के एक गांव के मंदिर से अष्टधातु की हनुमान और संत बरबर की मूर्तियों को चोरी कर लिया गया था। वहीं 27 साल से चोरी की गई मूर्तियां थाने के मालखाने में रखी हुई थी। बताते चले आपको कि कोर्ट के आदेश के बाद मूर्तियों को गाँव वालों को सौंप दिया गया। लोगों ने कहा कि वापस से इन मूर्तियों को उसी मंदिर में स्थापित किया जाएगा। बताते चले कि बिहार के आरा में पुलिस थाने के मालखाने में 27 वर्षों से कैद भगवान को मंगलवार को आखिरकार रिहाई मिल गई। कोर्ट के आदेश से भक्तों को काफी खुशी हुई। आरा सिविल कोर्ट के एडीजे सतेंद्र सिंह ने रिलीज ऑर्डर जारी किया था। आदेश जारी होने के बाद बढ़हरा प्रखंड के किशनगढ़ ओपी के मालखाने से अष्टधातु की बनी भगवान हनुमान जी और संत बरबर स्वामी की मूर्तियां बाहर निकाली गई। बता दें आपको कि भक्तों ने मूर्तियों की विधिवत पूजा की और पूरे इलाके में भव्य शोभा यात्रा निकाली। लोगों का कहना है कि दोनों मूर्तियों को गुंडी गांव स्थित श्री रंगनाथ भगवान के मंदिर में पुनः स्थापना कराया जाएगा। वहीं भगवान की मूर्ति को रिलीज कराने में बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष आचार्य किशोर कुणाल और आरा सिविल कोर्ट के अधिवक्ता अजीत कुमार दुबे के साथ साथ ग्रामीणों की सालों की मेहनत सफल हुई और आखिरकार भगवान हनुमान को जेल से रिहाई मिल गई। आज हमारे गांव में इतना खुशी का माहौल है कि मैंने इसका कोई ठिकाना नहीं है। आज इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। हमारे गांव के नवयुवक लोग आई मंगलवार रामनवमी का दिन और उसमें हमारे हनुमान जी आ गए हैं 32 वर्ष से भुलाए हुए, तो हमारे गांव का कितना खुशी है और कितना कल्याण की काम है। ये तो भगवान खुद स्वयं ही आ गए, तो अब क्या कहना है। रिहाई करने में कितनी कठिनाई हुई? बहुत सी कठिनाई करनी पड़ी। वही मंदिर में स्थापित होंगे? जी, उसी मंदिर में स्थापित होंगे। ऐसा मंदिर कहाँ है? पूरा दक्षिण बिहार का मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा मंदिर है कहाँ? पूरे गांव में भ्रमण किया जाएगा, पूरा पंचायत को भ्रमण किया जाएगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से? सुरक्षा के दृष्टि के लिए बड़ा उसे बात किए गए हैं, किया गया है कि वहाँ पर सब व्यवस्था किया जाए। जब तक वहाँ पर हम लोग भी अपना टीम बनाकर वहाँ व्यवस्था करेंगे। हम समस्त ग्रामीण जनता से यहीं पर हाथ जोड़कर अपील करना चाहूँगा, पूरा नवयुवक लोग से खास करके, कि भाई इस मंदिर में सभी लोग बढ़ चढ़ कर भाग लें, ताकि कि इस मंदिर का जितना पहले से नाम है उससे और ज़्यादा कहीं हम लोग नया पीढ़ी में इसको आगा मैंने प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम कृष्णा कुमार सिंह, ग्राम पंचायत पूर्वी गुंडी मुखिया। 30 साल से कैद में थे भगवान, आज आपके थाने से रिहा हो रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? तो वही बात हुआ कि गुंगे को पूछेगा कि मीठा का स्वाद कैसा हुआ। यहाँ कौन ऐसा इंसान है जिसको हृदय से आह्लादित महसूस नहीं हो रहा है? हृदय से सब खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है, इसको शब्द में बयान नहीं कर सकते। ठीक है सर, ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।